नमस्कार, मैं मानसी सिन्हा, आवाज डेली हर्षित टीवी से। कोरोना काल के विकट परिस्थितियों में लगभग 2 वर्षों के बाद कलाकार अपने घरों से बाहर निकल के आए हैं। वहीं आज रानी सती मंदिर आए भजन गायक झरिया के मनीष अग्रवाल से एक निजी आवास में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने की खास बातचीत। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हो। लगभग 1.5 वर्षों के बाद कलाकारों का आवागमन हजारीबाग की धरती पर प्रारंभ हुआ है। वहीं आज श्री रानी सती जी मंदिर में 2 दिवसीय मंगसिर नवमी में झरिया के सुप्रसिद्ध कलाकार मनीष अग्रवाल आए थे। आज एक निजी आवास में आए हैं और वो स्वयं आई भी है इस आवास में। आज उनसे बात करेंगे क्या कुछ कारण था, क्योंकि 1.5 वर्षों से तमाम कलाकार अपने घर में बैठे थे, 1.5 वर्षों के बाद आज घर से बाहर निकले हैं। कैसी क्या परिस्थिति रही तमाम 1.5 वर्षों के लिए, कैसी क्या रही? बहुत खराब परिस्थिति रही। परिस्थिति तो ऐसी हुई कलाकार की, क्या बताऊं आपको, खाने के लाले पड़ गए थे। आज 1.5 साल नहीं, हम 2 साल मानिए, यहाँ पे आदमी का अलाउड नहीं था, रस करना नहीं था, इस वजह से प्रोग्राम हुई नहीं। अब प्रोग्राम नहीं हुई, जो गाने बजाने वाले, जो बजाने वाले का सिर्फ बजाने का काम है, उसके यहाँ तो ऐसी तकलीफ हुई कि खाने के लाले पड़ गए। और गाने वाले हैं वो कितना मैनेज करेंगे, कैसे कैसे करके ये स्थिति से निकला जाए, कैसे क्या किया जाए। और सरकार भी इस तरफ कोई रुख नहीं, कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं कि कलाकार को कोई भत्ता मिले या कुछ मिले, ऐसा तो कुछ था नहीं। मनीष जी, एक सवाल उठता है, क्योंकि आप जब भी चलते कितने जनों के साथ चलते कहीं भी? हमारी टीम तो ऐसे मिनिमम 8 लोग रहते हैं, हमारी टीम 8 लोग रहते हैं। ये 8 लोगों का भरण पोषण किस तरीके से ये जिंदगी चली इनकी 1.5 वर्ष? बस ये भरण पोषण तो ये सोचिए कि हम लोगों का भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, इसी से ही होता है। बजाने वाले बजाते हैं, गाने वाले उसमें गा रहे हैं, साउंड वाला जो हमारा। 1.5 वर्षों का, 1.5 से 2 वर्षों का ये अंतराल बीच का, क्योंकि तमाम चीजें अस्त व्यस्त थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, लोग घर में डुबक के बैठे हुए थे, कैसा रहा? बहुत ही खराब रहा, इसके बारे में मैं क्या बताऊं, जितना बताऊं कम है, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आदमी लाचार हो गया था। क्योंकि आप एक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, सुप्रसिद्ध कलाकार के रूप में धनबाद पूरे जिला में, तो कहीं से कहीं आपको कुछ अगर सहयोग या सपोर्ट का वैसा कुछ मिल पाया क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई सहयोग सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट करने वाले नहीं था। और एक चीज तो आपको बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली का ना किसी से लेने में बनता है, ना किसी को देने में बनता है ना, ये भी बात है, जिस वजह से सपोर्ट लेना भी नहीं था अपने को थोड़ा सा, एक चीज के लिए देखा जाए तो। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बजाने वाले, खास करके मैं बता रहा हूँ बजाने वाले के लिए, उनका पेमेंट हाई नहीं रहता है, बहुत लो रहता है। अब 1.5 वर्षों के बाद आज हजारीबाग आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, फिर से वही माहौल मिला, फिर से वही गाना बजाना स्टार्ट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल उसी उत्साह उसी उमंग में आज फिर 1.5 वर्षों के बाद अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, आवाज हर्षित टीवी हजार।